लाडगंज थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल में लगाई गई आग पुलिस के लिए पहेली बन गई है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ना तो आरोपियों का पता लगा पाई है और ना ही आज तक गाड़ी जलाने में कौन से ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है यह पता लगा पाई है। पूरा मामला यह है कि 3 दिन पहले लटकारी के पड़ाव में किराना दुकान के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल में अज्ञात युवकों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ही आग बुझाई और मामला दर्ज किया था। हमें ऐसी सूचना मिली, हम पेट्रोलिंग में थे कि एक मोटरसाइकिल में आग लगी हुई है। जब हम मौके पर पहुंचे वहाँ पर मोटरसाइकिल को पुलिस के द्वारा ही बुझाया गया और ये पता चला है कि कोई ज्वलनशील पदार्थ से लेकर उसकी मोटरसाइकिल चलाई गई है और इसका हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और फुटेज उटेज और हम तलाश कर रहे हैं और हम आरोपियों की पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, बोतल भी कुछ टुकड़े मिले हैं तो बम का तो सब्सटेंट अलग होता है लेकिन ये बोतल में क्या है, कोई ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है, वो स्पार्क किया है। बोतल जरूर एक मिली है, उसकी हम जाँच कर रहे हैं। घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ना तो आरोपियों की पता साझी कर पाई और ना ही गाड़ी जलाने में किस ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया यह पता कर पाई। बहरहाल चिंता की बात तो यह है कि भीड़भाड़ वाले इस इलाके में पुलिस की निष्क्रियता से आरोपियों के हौसले यदि ऐसे ही बुलंद होते रहेंगे तो किसी भी दिन अपराधियों द्वारा यहाँ किसी बड़ी घटना को अंजाम दिए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता।